उत्तरकाशी टनल हादसे की वजह की चर्चा में बाबा बौखनाथ की नाराजगी का जिक्र आ ही जाता है। सवाल ये है कि क्या ऐसा भी मुमकिन है कि बाबा बौखनाथ की नाराजगी का ही नतीजा था कि इतना बड़ा हादसा हुआ और मजदूरों को बाहर निकालने में तमाम बाधाएं आई। बाबा के मान जाने के बाद सभी बाधाओं का निराकरण हुआ और 41 मजदूर सकुशल टनल से बाहर आ गए, वो भी 17 दिनों के बाद। तिलक्यारा सुरंग के मुहाने पर हादसे के कुछ दिन बाद ही बाबा बौखनाथ का मंदिर बनाया गया। ऐसा भी कहा जा रहा है बाबा बौखनाथ का मंदिर बनाने के बाद ही रेस्क्यू टीम को सफलता मिली। 17 दिनों तक चलने वाले वर्टिकल ड्रिलिंग, हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग, रेड होल्स माइनिंग समेत तमाम तरह के तरीकों को आजमाने के बाद मिलने वाली सफलता के लिए भारतीय सेना के साथ ही साथ लोग बाबा बौखनाथ को भी धन्यवाद दे रहे हैं। विश्व के सबसे बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन की सफलता में ईश्वर का योगदान क्या समूचे विश्व के लिए कोई संदेश नहीं है? विदेशी एक्सपर्ट अर्नॉल्ड डिस्क को भी आखिरकार बाबा बौखनाथ के मंदिर में क्यों टेकना पड़ा माथा? रेस्क्यू ऑपरेशन में उतरने से पहले एक्सपर्ट्स और टीमें बाबा बौखनाथ का आशीर्वाद और ऑपरेशन के सफल होने की क्यों करते थे कामना? उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी बाबा बौखनाथ को धन्यवाद कहा है। बाबा बौखनाथ को लेकर यहाँ के लोगों में बड़ी मान्यता है। ऐसा भी कहा जा रहा है कि रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान बाबा बौखनाथ के मंदिर के पीछे महादेव की परछाई नजर आ रही थी। ऐसा माना जा रहा है कि ऑपरेशन को सफल करने के लिए बाबा बौखनाथ साक्षात वहां मौजूद रहे। टनल हादसे को लेकर ग्रामीणों का कहना है कि ये मंदिर जहां स्थित है उसके ठीक नीचे से ही सुरंग गुजर रही है। ऐसे में बाबा बौखनाथ के पूंछ के नीचे सुरंग का गुजरना सिलक्यारा टनल के निर्माण के दौरान बिल्डर्स के द्वारा बाबा बौखनाथ के प्राचीन मंदिर का नष्ट किया जाना, बाबा बौखनाथ जिनका शुद्ध नाम वासुकी नाग है उनको रास नहीं आया था। कुछ चमत्कार सिर्फ भारत में ही होते हैं और भारत में ही हो सकते हैं।